नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान के एक ज़रूरी टॉपिक चॉम्स्की के भाषा संबंधी विचारों पर बात करेंगे कि जो भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की हैं वो भाषा से संबंधित क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो में। चॉम्स्की रूनी व्याकरण के प्रवर्तक हैं। रूनी का मतलब क्या है? रूनी का मतलब है रूपांतरण निष्पादन व्याकरण। वे भाषा को आदत नहीं मानते, क्योंकि भाषा सिर्फ आदत होती तो हमारी तरह तोता भी बोलता। भाषा के व्यवहार की क्षमता केवल मनुष्यों में है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं तोता बोलता तो है, लेकिन सिर्फ उतनी ही बात तोता बोल सकता है जितना हम उसको कहते हैं। जैसे कहते हैं तोता मिट्ठू बोलो राम राम, तो राम राम बोलता है ना, लेकिन सिर्फ उतना ही बोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। और भाषा के व्यवहार की क्षमता केवल मनुष्यों में ही है। प्राणी मात्र ध्वनि संकेतों से संप्रेषण करते हैं, यानी कि अपनी बात को कहते हैं। संप्रेषण क्या है, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई हुई हैं। मनुष्य भाषा को नियमबद्ध व्यवहार के रूप में अर्जित करता है और नियमों के आधार पर वाक्य बनाकर बोलता है, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से। शिशु या फिर अध्येता, या चाहे कोई बच्चा हो या कोई भी सीखने वाला हो, समाज में भाषा सुनता है, उसकी रचना का मन में विश्लेषण करता है और उन नियमों को मन में आत्मसात करता है, यानी कि उसको ग्रहण कर लेता है। कि जैसे बोला गया कि राम जाता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह बाजार जा रहा है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं इसको अपने माइंड में एनालाइज करता है जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है। फिर उसके बाद एनालाइज कर लेता है, समझ लेता है, तो वो इसे बोलने का प्रयास करता है। लेकिन भाषा को अर्जित करने की प्रवृत्ति जन्मजात है और यह सिर्फ मनुष्य मात्र की विशेषता है, ऐसा मानना है किनका? चॉम्स्की का, ठीक है। कि जो भाषा है इसे सिर्फ इंसान ही बोल सकता है, मनुष्य ही बोल सकता है और मनुष्य ही सीख सकता है। चॉम्स्की जो है ये पोलैंड मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, यानी कि मूल रूप से ये पोलैंड के हैं लेकिन अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अपने भाषा विज्ञान का अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान की परंपरा से ही इन्होंने शुरू किया था। कहाँ से? संरचनात्मक भाषा विज्ञान से, ठीक है। लेकिन वे संरचनात्मक अध्ययन से विमुख होते चले गए, जैसे जैसे वे सीखते गए इससे वे विमुख होते गए। गणित तर्कशास्त्र का अध्ययन, यूरोप के मध्य युग के मनोवादी संप्रदाय का ज्ञान, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा आदि से परिचित होने के कारण उन्होंने पाया कि संरचनात्मक विश्लेषण केवल वाक्य के संरचनाओं में ही प्राप्त सतही समता को पकड़ पाता है, यानी कि वो सिर्फ सतही समता को, सतही जो ज्ञान है, सतही समानता, उसको ही पकड़ पाता है। लेकिन समान दिखने वाले आंतरिक रूप से भिन्न संदिग्ध वाक्यों की व्याख्या नहीं कर पाता। जैसे एक उदाहरण ले हम कि राम श्याम को मूर्ख लगता है, राम श्याम को मूर्ख लगता है, और दूसरा वाक्य है राम श्याम को मूर्ख समझता है। अब देखिए दो सेंटेंस है, राम श्याम को मूर्ख लगता है और राम श्याम को मूर्ख समझता है। अब दोनों में अंतर समझिए, राम श्याम को मूर्ख लगता है में राम मूर्ख है, ठीक है। देखिए राम श्याम को मूर्ख लगता है, कौन मूर्ख है? राम। और दूसरे वाक्य में हम देखेंगे राम श्याम को मूर्ख समझता है, यहाँ कौन मूर्ख है? श्याम मूर्ख है, कि राम श्याम को मूर्ख समझ रहा है, ठीक है। और उनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार, हम मन में निहित अपने अभीष्ट अर्थ के संदर्भ में इन वाक्यों में अंतर कर सकते हैं, ऊपरी संरचना के आधार पर नहीं कर सकते, यानी कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान इनके हिसाब से यहाँ फेल होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमको मन का आधार लेना पड़ेगा। चॉम्स्की ने सन 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक युग प्रवर्तक ग्रंथ का की रचना की, उसका प्रणयन किया, और ब्लूमफील्ड जो कि व्यवहारवादी हैं और उसके अपोजिट जो चॉम्स्की है वो मनोवादी है। वे भाषा की आदत और अर्थ से पृथक रचना विश्लेषण के विरोधी हैं। वे भाषा का अस्तित्व वक्ता के मस्तिष्क से मानते हैं,
वे मानते हैं कि जो भाषा है वक्ता के मस्तिष्क से उत्पन्न हो रही, दिमाग से उत्पन्न हो रही है। उनका व्याकरणिक सिद्धांत रूपांतरण निष्पादन व्याकरण कहलाता है, ठीक है, जिसे हम अभी रूनी व्याकरण के नाम से जानते हैं। उनका व्याकरण ब्लूमफील्ड की लगभग सारी मान्यताओं का खंडन करता है। ब्लूमफील्ड भी भाषा वैज्ञानिक है, चॉम्स्की भी भाषा वैज्ञानिक है, लेकिन चॉम्स्की ब्लूमफील्ड की लगभग सारी मान्यताओं का खंडन कर देते हैं। और भाषा के विश्लेषण, अर्जन आदि के संदर्भ में भाषा की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और भाषा की आदत या व्यवहार द्वारा अर्जन के विरोध में, यानी कि भाषा आदत है, व्यवहार है, ठीक है, इस तरीके से उसको सीखा जाता है, इसके विरोध में चॉम्स्की भाषा की सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी पर अधिक बल देते हैं। वे कहते हैं कि भाषा क्या है, सृजनात्मक है। यह सृजनात्मकता मात्र निरीक्षण द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। सृजनात्मकता मन की क्षमता है जो किन्हीं नियमों के अंतर्गत अब तक ना सुनी गई रचनाओं को भी पहचानता है और नए नए वाक्यों का उत्पादन या निष्पादन करता रहता है। कुछ बहुप्रचलित उक्तियों को छोड़कर हम हमेशा हर बार अपने ढंग से नए वाक्य की रचना करते हैं। भाषा के कुल वाक्यों की संख्या अनंत है, असीमित है, यानी कि चॉम्स्की कहते हैं कि हम कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को शब्द ना कहकर वाक्य कहें, कुछ वाक्यों को छोड़ दें तो हम हर बार नए तरीके से वाक्य बनाते हैं। यह क्षमता सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। और चॉम्स्की तथा उनके संप्रदाय के विद्वानों का यह कहना है, क्या कहना है, कि भाषा जन्मजात गुण है जो सिर्फ मानवों की विशेषता है। जो भाषा है वो एक जन्मजात गुण है और यह सिर्फ इंसानों की ही विशेषता है। यह मानव के विकसित मस्तिष्क के कारण है, अतः किसी और प्राणी में भाषा की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। बच्चा पैदा होने के बाद से ही भाषा द्वारा संप्रेषण और सीखने की प्रवृत्ति करता है, यानी बच्चा जब पैदा होता है शुरू से ही हम देखते हैं वो अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करता है, धीरे धीरे बोलता है, माँ पा ऐसे करके बोलना सीखता है, ठीक है। संसार में कोई मानव समाज नहीं है जो भाषा का प्रयोग ना करता हो। ये एक जरूरी बात है कि चॉम्स्की कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा मानव संप्रदाय नहीं, मानव समाज नहीं, कोई भी ऐसी मानव की प्रजाति नहीं है जो भाषा का प्रयोग ना करती हो। संसार में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो भाषा का व्यवहार ना करता हो, यानी कि भाषा को प्रयोग में ना लाता हो। इस तरह भाषा व्यवहार तथा भाषा सीखने की प्रवृत्ति यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। इस कारण हमें भाषा में कई सार्वभौम तत्व मिलते हैं, जैसे सभी भाषाओं में संज्ञा और क्रिया शब्दों का होना। इन सार्वभौम तत्वों के कारण भाषाओं के विश्लेषण की एक सामान्य रूपरेखा स्थापित की जा सकती है, जो वास्तव में भाषा की रचना को नहीं बल्कि भाषा बोलने की मानव की क्षमता तथा सृजनात्मक शक्ति को उद्घाटित करती है या करे। चूंकि ब्लूमफील्ड भाषा को एक भाषा के समुदाय के व्यवहार की वस्तु मानते हैं, अब ब्लूमफील्ड का विचार भी यहां हम देख पा रहे हैं कि ब्लूमफील्ड क्या मानते हैं, भाषा को समुदाय के व्यवहार की वस्तु मानते हैं। उनके सिद्धांत में कहीं भाषा के पीछे की मानसिक क्षमता का स्थान नहीं है, ना ही इस कारण भाषाओं में यूनिवर्सल तत्वों का, सार्वभौम तत्वों का ही है। ब्लूमफील्ड के अनुसार हर भाषा की व्यवस्था अपने में पूर्ण है। ब्लूमफील्ड का भाषा विज्ञान कई भाषाओं की व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर निर्मित है। वे कई भाषाओं की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद एक नए तरीके का भाषा विज्ञान, एक नए तरीके का विचार प्रस्तुत करते हैं। और भाषाओं में जितने वाक्य प्रकार मिलते हैं वे उनके व्याकरण का कलेवर बनते हैं, यानी कि जितने प्रकार के वाक्य मिलेंगे, जैसे हम देखते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, ये सब क्या है, इतने प्रकार के वाक्य मिलते हैं, उसी तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाषा में जितने प्रकार के वाक्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर इसका मतलब कलेवर बनाया जाता है और यह डाटा पर आधारित होता है, जबकि चॉम्स्की का सिद्धांत डाटा पर आधारित नहीं है, व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है।
ब्लूमफील्ड का किस पर आधारित है? डाटा पर, लेकिन चॉम्स्की का व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करते हुए समझते हुए चले। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा आदतों का समुच्चय है, यानी कि सेट ऑफ हैबिट है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय है। अब फिर यहाँ पे हम अंतर कर पा रहे हैं। ब्लूमफील्ड आदतों का समुच्चय मानते हैं, आदतों का ग्रुप मानते हैं, लेकिन चॉम्स्की क्या मानते हैं? सीमित नियमों का समुच्चय मानते हैं, जिनसे व्यक्ति भाषा के असीमित वाक्यों का उत्पादन करता है। इस कारण भाषा मात्र व्यवहार नहीं, नियमबद्ध व्यवहार है। भाषा क्या है? सिर्फ व्यवहार नहीं, कैसा व्यवहार है? नियमबद्ध व्यवहार है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि एक रूल है, एक नियम है, उसी के अनुसार भाषा चलती है। ये नियम वक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? अगर यह प्रश्न बने तो यह प्रश्न बन इसका उत्तर होगा व्याकरण ग्रंथों से। हम ग्रामर सीखते हैं ना, हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, विभिन्न भाषाओं का व्याकरण हम पढ़ते हैं, उससे भी पता चलता है। या फिर हम जो अपने समाज को एनालाइज करते हैं, उससे भी पता चलता है कि हम अपने समाज को जो एनालाइज कर रहे हैं, उससे भी हमें पता चल रहा है। जैसे राम घर जा रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये सब क्या है? ये वाक्य बन रहा है। इसको कोई नया लर्नर सीखेगा, सुनेगा, तो वही चीज़। व्यक्ति भाषा सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भाषा को सुनता है, भाषा का मन में विश्लेषण करता है और भाषा के नियमों को आत्मसात करता है। यानी कि भाषा को सुनेगा, भाषा का मन में विश्लेषण करेगा, फिर भाषा के नियमों को अपने मन में बैठाएगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद चॉम्स्की इन अंकित नियमों को आंतरिक व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इनबिल्ट ग्रामर। इस आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को नहीं जानता, ना ही उद्घाटित कर सकता है, वह भाषा के प्रयोग में मात्र इनका उपयोग करता है। आंतरिक व्याकरण से भाषा के वाक्यों के उत्पादन की शक्ति व्यक्ति के उत्पादक या निष्पादक क्षमता को दिखाती है, उसको शो करती है। यानी कि जैसे अभी बोला गया कि राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो व्यक्ति ग्रामर नहीं पढ़ा है वो ये तो समझ लेगा कि इस तरीके से वाक्य को बोलना है, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ठीक है। उसके लिए उसे व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और इस आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को नहीं जानता और ना ही बता सकता है। इस पर हमने बात की। चॉम्स्की के भाषा विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है कि ये जो आंतरिक नियम हैं, इनको व्याकरण के क्रमिक नियमों के समुच्चय के रूप में दिखाना, जिससे हम व्याकरण के सहारे या कंप्यूटर आदि मशीनों के प्रयोग में सही तथा ग्राह्य वाक्यों का निष्पादन कर सकें। इसी कारण चॉम्स्की का व्याकरणिक संप्रदाय निष्पादन व्याकरण या निष्पादन मॉडल भी कहा जाता है। अगर हम ब्लूमफील्ड के संप्रदाय के अनुसार प्रेक्षणी यानी कि ऑब्जर्वेबल व्यवहार के रूप में भाषा को माने, तो भाषा के अनंत वाक्यों की रचना के विश्लेषण का हमारे पास आधार नहीं है। नियमबद्ध व्यवहार के रूप में भाषा को देखने के कारण ही हम व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति का स्पष्टीकरण दे पाते हैं। इस दृष्टि से, इस नज़र से, सृजनात्मकता तथा निष्पादन क्षमता दोनों शब्द समान अर्थ देते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि सृजनात्मक शक्ति मन या मस्तिष्क का गुणधर्म है, उसकी विशेषता है। निष्पादन क्षमता व्यक्ति में तो है ही, नियमों को स्पष्ट विवरण के साथ यह क्षमता व्याकरण में भी आ जाती है। चॉम्स्की के भाषा विज्ञान के लक्ष्य की चर्चा करते हुए ऐसा कहा जाता है, चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांत को हमें व्याकरणों की खोज के लिए यांत्रिक ढंग से प्रविधि देने वाला अध्ययन नहीं मानना चाहिए। ब्लूमफील्ड आदि के व्याकरणों में भाषा विश्लेषण का यह यांत्रिक उपागम दिखाई पड़ता है, जो कि चॉम्स्की के यहाँ नहीं दिखाई देता। व्याकरण क्या होना चाहिए,
इस संबंध में उन्होंने पर्याप्तता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे पहले है प्रेक्षण की पर्याप्तता, किस जगह कौन सा प्रयोग होता है इसकी सूचना व्याकरण से मिल जाए। उसके अनुसार संरचनात्मक भाषा विज्ञान में यह गुण तो है। और दूसरी है वर्णन की पर्याप्तता, व्याकरण न सिर्फ प्रयोगों का औचित्य स्पष्ट करे बल्कि वक्ता के आंतरिक व्याकरण या भाषा बोलने की क्षमता का वर्णन कर सके। यह गुण पूर्ववर्ती व्याकरणों में नहीं है। चॉम्स्की संप्रदाय के कारण भाषा अर्जन, भाषा दोषों का विश्लेषण आदि विषयों के क्षेत्रों में नए युग का सूत्रपात हुआ। यानी कि भाषा को नए तरीके से समझा जाने लगा, भाषा के व्याकरण को नए तरीके से समझा गया। ये सब संभव हो पाया चॉम्स्की के ही कारण। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विश्लेषण का आधार भाषा का वह आदर्श वक्ता यानी कि कहने वाला और वह आदर्श श्रोता है जो एक समरूप भाषा समुदाय का सदस्य हो और भाषा को अच्छे ढंग से जानता हो। उसका भाषा का ज्ञान ही उसकी भाषिक दक्षता है। भाषा के व्यवहार में चूक, विस्मृति आदि कारणों से उत्पन्न दोष रुचि और अवधारणा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अंतर दिखाई पड़ते हैं। ये व्यवहार की विशेषताएं हैं, दक्षता के अंग नहीं है। भाषा वैज्ञानिक का काम है व्यवहार में व्यक्त भाषिक सामग्री में से वास्तविक भाषा दक्षता के अंतर्निहित नियमों की व्याख्या को ढूंढ निकालना। वास्तविक प्रत्यक्ष व्यवहार में से भाषा व्यवस्था नामक मानसिक सत्य का अन्वेषण करना, ये भाषा वैज्ञानिक का काम है। यह सहज ही देखा जा सकता है कि ब्लूमफील्ड सिर्फ प्रत्यक्ष व्यवहार को ही महत्व देते हैं। चॉम्स्की प्रत्यक्ष व्यवहार को मात्र भाषिक दक्षता से उत्पन्न व्यापार मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके भाषा विचारों को समझने की कोशिश की। MHD सेवन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियोज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर देखिए। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर उन वीडियोस को देख कर जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ से मदद मिलेगी। विद्यार्थी बताते हैं कि जो MHD 5 है और MHD 7 है, इसमें उनको समस्या होती है। तो अगर आप MHD 5 और MHD 7 के भी दोनों के कुछ ना कुछ वीडियोस मैंने पहले रिलीज कर रखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप उन्हें ज़रूर देख कर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।